हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, आपकी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तो आपके ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में दिया रहेगा, 1532। आप क्या करना है, टिक लगा देना है। अब ये भी पूछ सकता है कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान, माता का नाम भी पूछ सकता है, पिता का नाम भी पूछ सकता है। चलिए भी आगे देखते हैं हम लोग। इनका जन्म स्थान राजापुर गांव, इनका माता का नाम था लूसी, पिता का नाम था आत्मराम दुबे और पत्नी का नाम था रत्नावली देवी। फिर देखिए, गोस्वामी जी का मृत्यु हो गया 1623 ईस्वी में। दोस्तों, अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी, तो आपके ऑप्शन में दिए रहेंगे 1623 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि शिक्षा, संत बाबा नरहरिदास ने भक्ति की इतिहास, वेद वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि, और ये भक्ति भक्ति दिया है कि राम भक्ति, राम भक्ति। गोस्वामी तुलसीदास राम के क्या थे, भक्त थे। और इनका एक प्रसिद्ध महाकाव्य है जो रामचरित मानस है। आपका ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही पूछ सकता है और ऑप्शन में दे देगा रामचरित मानस। ऐसे पूछेगा कि गोस्वामी तुलसीदास किनके भक्त थे, तो आप लोग ऑप्शन मार दीजिए राम भक्त थे, राम जी के भक्त थे। और उनका प्रसिद्ध महाकाव्य क्या था, तो रामचरित मानस था। अगला देखते हैं उपलब्धि। उपलब्धि लोकमानस कवि, साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य में कवि की सर्वोत्मुखी उन्नत। दोस्तों, हम आगे देखते हैं। हेलो दोस्तों, अब जानेंगे रामचंद्र शुक्ला के जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ला का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म स्थान बस्ती जिले के अगोना ग्राम में हुआ था। दोस्तों, इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ला था। चलिए आगे देखते हैं। और भाषा का ज्ञान, भाषा ज्ञान हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला। दोस्तों, आपके ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, पूछेगा क्वेश्चन कि रामचंद्र शुक्ला का जन्म कहाँ हुआ था, या ऐसे पूछेगा कि रामचंद्र शुक्ला के पिता का नाम क्या था, या ये भी पूछ सकता है कि रामचंद्र शुक्ला की जन्म किस सन में हुआ था। देखिए, अगर जन्म किस सन में हुआ था, तो देखिए यहाँ पर 1884 में। अगर पूछेगा कि जन्म स्थान बस्ती जिले के अगुना ग्राम में हुआ था, अगर ये पूछेगा कि उनके पिता का नाम क्या था, तो चंद्रबली शुक्ला। आगे देखते हैं, बस्ती जिले का अगुना ग्राम हुआ था, सॉरी दो बार लिखा चुका है। चलिए आगे देखते हैं। भाषा का ज्ञान हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला। आगे देखते हैं। आजीविका, लेखन, प्राध्यापक, अध्यापन। अब देखिए, इनका मृत्यु कब हुआ था, इनका मृत्यु हुआ था 1941 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। अब इनका लेखन विधा, नाटक, निबंध, आलोचना। अब देखिए, साहित्य में पहचान, अनुवादक, संपादक, निबंधकार। आगे है भाषा, शुद्ध साहित्यक, सरल एवं व्यवहारिक भाषा। अब दोस्तों, आगे है कि साहित्य में स्थान, साहित्य में स्थान, शुक्ला जी को हिंदी साहित्य के जगत में आलोचना का सम्राट कहा जाता है। इन किनको कहा जाता है, तो रामचंद्र शुक्ला जी को आलोचना का सम्राट कहा जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और आप कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगा है। धन्यवाद।